कनाडा ने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। मामले से संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि उनकी जांच अभी खत्म नहीं हुई है। कनाडा ने पिछले साल भारतीय एजेंटों पर निज्जर की हत्या में संभावित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव आ गया था। भारत ने कनाडा के आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। एडमंटन में रहने वाले करण बराड़, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह पर हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि गिरफ्तार किए गए लोग उस कथित समूह के सदस्य हैं जिन्हें निज्जर की हत्या करने का काम सौंपा गया था। निज्जर की 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। निज्जर एक कनाडाई नागरिक था। इस मामले में इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी IHIT के प्रभारी अधीक्षक मनदीप मुकर ने कहा, जांच यहीं समाप्त नहीं होती। हम जानते हैं कि इस हत्याकांड में कुछ और लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई है और हम एक एक की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की सहायता से IHIT जांचकर्ताओं ने शुक्रवार सुबह निज्जर की हत्या के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सहायक आयुक्त डेविड टेबल ने बताया कि ना तो वो पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के बारे में कोई टिप्पणी कर सकते हैं और ना ही निज्जर की हत्या के पीछे मकसद के बारे में बता सकते हैं। उन्होंने कहा, हालांकि मामले ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और मैं कहूंगा कि जांच अभी जारी है। मैं इस बात को दोहराता हूं कि आज की घोषणा का मतलब ये नहीं है कि जांच पूरी हो गई है। अधिकारी ने कहा, इस मामले में अलग अलग सिरों से जांच की जा रही है और मामले की जांच गिरफ्तार किए गए लोगों की संलिप्तता तक ही सीमित नहीं है।